हम खड़े हैं जी इत्थे मुर्शीद कुली खान दी मस्जिद दे सामने। ये 1723 दे विच मस्जिद बनी सी इस्लामिक शैली दे विच, और इसे दे विच ही मुर्शीद कुली खान दा मकबरा हैगा आ। इहदे नेड़े ही एक बहुत वड्डी तोप भी हैगी है, जहान कोशा, वो भी दिखांगे। तो पहला देखते हैं आप मुर्शीद कुली खान का यह मस्जिद। मुर्शीद कुली खान औरंगजेब वालों भेजा गया एक टैक्स कलैक्टर सीगा, इहदा काफ़ी विश्वास योग बंदा सीगा। मुर्शीद उसे नूं बोलदे आ जिहड़ा ज़्यादा विश्वासी हुंदा आ। तो यह किसी के नाते फिर मुर्शीदाबाद नाम पे आ इस शहर का। यह सब तो पुरानी इत्थे मस्जिद हैगी है। मस्जिद की बैक साइड है। मस्जिद के थले भी एक तरह की वेंटिलेशन वास्ते यह रस्ते बने हुए हैं। ये सिर्फ इत्थे ही देखने मिलते हैं, बड़े साइंटिफिक वे नाल बनी हुई मस्जिद हैगी है। ये हाल है जिथे नमाज पढ़ते होने हैं, और ये मस्जिद का फ्रंट हैगा है। अंदर चल के देख रहे हैं। विचकारला गुंबद जेड़ा ओह टुट चुका है, पर जो कुछ रिमेनिंग हैगा या उतो पता लगता कि बहुत शानदार और मजबूत कंस्ट्रक्शन की हुई थी। यदि इहदी संभाल कोई नहीं हैगी है इस वेले। इट्टां जर्जर हो रही हैं।
মুর্শিদ কুলি খান দি কবর হেগী আ মুর্শিদ কুলি খান দি মসজিদ ওদা মকবরা। হুম ইত্থোঁ বাহির যা কে আপনার লেফট সাইড ওয়াল নু যাবাঙ্গে জাহান কোশা যেড়ি ক্যানন হ্যাগী আ ও দেখাঙ্গে। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਹਾਨ ਕੋਸ਼ਾ ਕੈਨਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੋਸ਼ਾ ਤੋਪ। पूरे 5.5 मीटर लंबी ते 7 टन भारी यह तोप हैगी है जिहड़ी शाह जहान दे वेले 1637 ईस्वी च इस्लाम खान सूबेदार दे कहण ते एक बंगाली लोहार जनार्दन ने बनाई सी अष्ट धातु तो 8 धातुआं तो मिलके। ਇਹ ਇਹਦਾ ਗੋਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲਾ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਕੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਵੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਲੀਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 7 ਟਨ ਵਜਨ ਯਾਨੀ 7000 ਕਿਲੋ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਛ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਟਲਰਜੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਜੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖੋਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤੂ ਕੈਨਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਹਾਨ ਕੋਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੋਪ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੋਸ਼ਾ ਤੋਪ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ 1637 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਇਸਲਾਮ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਜਨਾਰਦਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਹਾਰ ਤੋਂ। 5.5 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 7 ਟਨ ਵਜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤੂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੋਪ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡਿਸਟਰੋਇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਇਹ ਤੋਪ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1000 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਵਾਬ ਹਮਾਯੂੰ ਜਾ ਨੇ 1829 ਤੋਂ 1837 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼
ऑफिशियल्स वास्ते ते उना दे रेजिडेंस वास्ते भी ये जगह सी। बाद 1847 च इत्थे नाल पिछे इमाम बाड़ा भी बनाया गया सीगा। तो चल के आपां देखदे हां दोनों बिल्डिंगां। इस रॉयल कोर्ट च हुण इत्थे म्यूजियम बन गया जिहदे अंदर पुरानियां पेंटिंग्स और पुराना एमिनेशन वस्तुआं सारियां इहदे च रखियां होईआं। ये सी जी हजार दुआरी। इहदे विच 1000 दरवाजे जिन्हां चों असली हैगे आ 900 दरवाजे ते जिहड़े 100 दरवाजे हैगे आ ओह डुप्लीकेट हैगे आ। इक नूं मैं भी देखिआ, मैं उहनां नूं पुछिआ कि डुप्लीकेट किद्दां, तां ओह बनाया होया पेंट करके बस वो निशानी हैगी है कि उन्होंने तुम नॉक करोगे तो वह पत्थर का ही थानू लगेगा, वो लकड़ी की आवाज़ नहीं आएगी, ना ही उन्होंने कोई कुंडिया वगैरह लगिया हुई। अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल बंद सी, बट थोड़ा जहा जरा मेन जिते निज़ाम बैठता सीगा मैं शॉट ले पाया। ये सामने ये इमाम बाड़ा हैगा जिहड़ा बाद च बनिया 1847 के करीब। ये सिर्फ लोकल जो मुस्लिम लोगों वास्ते ही खुलता है जुमेरात नूं। और खास तौर पर जो ये हजार दुआरी है ये तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सब हिस्ट्री लवर नू आके ये जरूर ये देखना चाहिए। अंदर बहुत ही रेयर आर्टिफिकेट्स है हिस्टरी नाल रिलेटेड। इन्हां च दिल्ली दे मुगल राजियां दियां बहुत सारियां वस्तुआं इहदे विच हैगियां। बंगाल बिहार ते उड़ीसा जो कि एक बंगाल राज दे विच सीगे तीन इह राज, इहदे सारे नवाबां दे बारे च उहनां दे पेंटिंग्स सारा कुछ इहदे विच बहुत वधिया दिखाया गया। और ओरिजिनल वो हथियार वस्तुआं बर्तन फनूस एक जड़ा दरबार जिथे मेन निज़ाम बैठता वह ये सब चीज़ां देखने वाली है। तो ये जी हजारदुआरी मुर्शिदाबाद दे विच सब तो वधिया एक डेस्टिनेशन हिस्टोरिकल प्लेस। हाले भी कई स्पॉट इत्थे रह गए हैगे आ, वह फिर दोबारा दूजी वारी चक्कर लवेंगे उदों आराम नाल देखांगे। तो हुण चल रहे हैं ते हुण मैं मुर्शिदाबाद छड रहे हैं। शाम दे वजे है 5 बट इस वेले इत्थे पूरा नेरा हैगा आ क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट दे नाल लगदा इलाका। इस वेले काफ़ी नेरा आ और हुण चलिया मैं अजीमगंज रेलवे जंक्शन, उत्थों ट्रेन लूँगा
न्यू जलपाईगुड़ी दी एनजी गुरुद्वारा साहब है मैं चल मथा टेक लाली टाइम है ट्रेन दे विच 2 घंटे पे आ तो उधर चले आ जियागंज के एक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जियागंज है जी मैंबर मत्था टेक आया पहले सिंह ने बनाया हुआ इतने 12-13 परिवार है भाई साहब ने दसिया हाली टाइम सीगा तो मैं चलो इतने मत्था टेक ला जाना और इधर नेड़े ही हरजीत सिंह जिहड़ा सिंगर हैगा आ वो भी इत्थे दे रहण वाला आ उसको मकान दिखा देंगे आपको अभी अच्छा जाते हुए हां चलो ठीक है रोड पे ही है मेन रोड पे ही ठीक है जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह थैंक यू जी काफी तंग गलियां अच्छा अच्छा पूरा कोई बात नहीं अगर वो दिख जाएगा ठीक है नहीं तो यही कहते चलो घर भी दिखा दें मैं चल ठीक है ऑन द वे है देख लेंगे ओके ओके अच्छा अच्छा लो जी घर भी थोड़ा दिखाता हरजीत सिंह का आटो वाले को पता सीगा एक घर हैगा हरजीत सिंह का जिन्हें आशिकी 2 के गाने तो जड़ा हिट होया लो जी इदा की भी घुमकड़ी होंगी है किधर नूं जाना सीगा ते किधर नूं गेड़ा पै गया पर चंगा गेड़ा पै गया नाले ते गुरुद्वारा साहब च भी मत्था टेक लिया जियागंज के हरजीत सिंह का घर है जो फेमस सिंगर है तो वो घर भी थोड़ा तो दिखाता और आटो वाले का कहना है कहता बंदा बहुत ही डाउन टू अर्थ हैगा हरजीत सिंह कहता हर एक मिल लेंदा आ काफ़ी अच्छा ग्रो किया उन्होंने वो तो कोई वो नहीं हैगी है कोई बू नहीं हैगी हाँ जी ये आपका हाँ हाँ जी अच्छा अच्छा घाट आ गया ओके ओके और इतने रस्ता जाता जी ये घाट में इतों करी दे विच अपा ने पार करके ते जाना अजीमगंज उतों फिर ट्रेन मिलनी है मैनू न्यू जलपाईगुड़ी दी जो सिलीगुड़ी के नाल है वाह क्या नज़ारा मज़ा आ गया इस टूर का तो बंगाली च लिखे कुछ अपन समझ नहीं आता एक लॉन्च आई है ये मोटरसाइकिल समेत सारे ये बोट कहते हैं कि सारी रात ही चलती रहती है असि जब तक अपने घर चाहे सू लगता सू बहुत मुश्किल है पर जो घरों बहर निकलते हैं फिर पता लगता है कि दुनिया कितनी स्ट्रगल कर रही है
और देखो पढ़ने वाले बच्चे कम करने वाले सारे अपने मोटरसाइकिल साइकिलों पे ये रोज दा इन्हां दी रूटीन हैगी आ कि आंदे आ इत्थे बोट दे उत्ते इत्थों इह नदी क्रॉस करके फिर जाते हैं अजीमगंज या अजीमगंज तो वापस आते हैं। ਇੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਅਜੀਮਗੰਜ ਦਾ। ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਅਜੀਮਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਜੀਮਗੰਜ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਟੀਸਟਾ ਟੋਰਸਾ 13141 ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਜੀਮਗੰਜ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ, 6:09 ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣੀ ਆ 7:22 'ਤੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਟੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆ।